जब हम लोग पटाखा जलाएं तो वी शुड बी वेरी माइंडफुल अबाउट एनिमल्स. इट इज वेरी टेरिबल मोमेंट फॉर देम, जो कि ट्रॉमा हो जाता है उन लोग का. और हेलो एवरीवन, कम अगेन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू द दीचेस व्लॉग. और आज है छोटी दिवाली, तो आप सबको हैप्पी छोटी दिवाली. जा रहे हैं अभी मिठाई लेने के लिए. वही है जो एक बॉक्स हम लोग चले घर की ओर. ये ले लिया हमने मिठाई कल के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाता है, इसलिए ले लिए. और हम लोगों को कुछ कुछ काम है, वो हम लोग करते जाएंगे. आज मैं ब्लॉग थोड़ा सा लेट चालू कर रही हूँ. वैसे तो ब्लॉग चालू कर दी थी, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेट से दे रही हूँ शाम को, क्योंकि हम लोग कुछ काम कर रहे थे, बिजी थे. और हम लोगों ने बनाया कल के लिए मिठाई भी, और मिठाई भी लेकर के आए. तो अभी हम लोग कर रहे थे शाम का पूजा, क्योंकि आज है छोटी दिवाली, तो छोटी दिवाली का हम लोग को दीप जलाना रहेगा, तो हम लोग दीप जला लेते हैं. इतना प्यारा सा मम्मी बैंडाना बनाया है, और इसको देखिए. एंजल चलो उठो, सबको अपना बैंडाना दिखा, चलो उठो. और ये ब्यूटीफुल सा बैंडाना मम्मी ने बनाया है एंजल के लिए. मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजर लुक. बच्ची बैठी है तिलक के लिए, दिखा दे बाबू. वेरी गुड, चलो बैंडाना दिखाएंगे. कब ये रहा एंजल का ब्यूटीफुल सा बैंडाना, जो मम्मी ने एंजल के लिए बैंडाना बनाया. इतना प्यारा सा एकदम गोटा वोटा लगा करके लग रही है छोनी पुत. है एंजल, छोनी पुत लग रही है. और से देख रही है बाबू, क्या देख रही है बाबू? मम्मी दीपक रख रहे हैं, दिया रख रहे हैं ना बाबू. हां दिया जो प्रज्वलित कर रहे हैं ना. बस कैमरा कॉन्शियस एकता के पास बैठी है, देख रही है कलो क्या कर रही है. सो ब्यूटीफुल. हां एंजल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. हाउ प्रीटी गर्ल. हो गया पूजा भी, और मम्मी ने सब जगह दीप भी लगा दिया. अब भूख लग रहा है हम लोगों को, पेट पूजा की बारी. तो मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ राइस, फ्राइड राइस और पनीर वाला. तो देखिए आपको, मम्मी गए हैं मंदिर, नेहा लोग गए हैं बाहर, तो मैंने सोचा जब तक मम्मी लोग आते हैं फटाफट से मैं रेडी रखती हूँ खाना. चावल बना लिया था मैंने, और उसको अब मैं छोंक दूँगी पनीर और थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स के साथ. फिर हम लोग को थोड़ा सा काम और भी है, मैं थोड़ा थोड़ा देर में आपसे मिलते रहती हूँ. तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ मसाला. मसाला अभी तक नहीं है,
उसके पहले इतना ज़्यादा टेंपरिंग लग रहा है। इसमें डाल देती हूँ मैं मिर्ची पाउडर और बाकी सारा मसाला। मुझे है ना वीडियो में देख करके और फिर मिक्स करना पड़ रहा है, मैं अगर अलग से देखूंगी तो फ़ोन कहीं और ही जाएगा। कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ना, बहुत तेज़ भूख लग रही है सच में सबको। दे देते हैं एंजल का पनीर। बैठी एंजल, एंजल ये ले बाबू, चलो इधर आ, इधर आ जाओ तो मेरा मसाला चल जाएगा, आ जल्दी आ। यस पनीर दे सकते हैं हम डॉग्स को। इसमें डाल देती हूँ मैं चावल, उसको मैं क्विक मिक्स दे देती हूँ। तो रेडी हो गए हमारा पनीर कैप्सिकम फ्राइड राइस कुछ भी नाम दे देते हैं। फिर नेहा लोग आ जाते हैं फिर खाएंगे, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो अभी हम लोग बना लेते हैं मूंग दाल की चक्की, नहीं मूंग दाल का हम लोग हलवा बना रहे हैं आपकी बार। ये हम लोग मूंग दाल का बर्फी नहीं करके आपकी बार हम कर रहे हैं मूंग दाल का हलवा। तो आपको मैं इसमें रेसिपी भी बताते जा रही हूँ। हमने ले लिया है मूंग दाल, जिसको हम लोग ड्राई पीस लेंगे, दरदरा थोड़ा सा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा भी दरदरा नहीं। तो मम्मी ने पीस दिया है और ये एकदम फाइन पाउडर नहीं है, दरदरा है आप देख सकते हैं थोड़ा सा। मम्मी हाँ देखिए मम्मी ऐसे कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, फाइन नहीं है, थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए कि ऐसे दानेदार रहे, दरदरा बोले तो थोड़ा सा दानेदार रहे। हाँ आपने एक्स्ट्रा घी को गरम करना है और इसमें मम्मी डाल दे रहे हैं ये दाल जो मम्मी ने पीसा था। आप आगे का प्रोसेस देखते रहिए क्योंकि मैं भी इस तरह से हलवा बनता है पहली बार देख रही हूँ घर पे। मम्मी बनाए हैं तब मैंने नहीं ध्यान दिया था, आज मैं भी ध्यान दे रही हूँ। ये जो है हम लोग बना रहे हैं हलवा, इसको हम लोग अगर सेट कर देंगे तो चक्की हो जाएगा। अब की बार हम लोग सूखा दाल का बना रहे हैं, नहीं तो हर बार हम लोग गीला दाल का बनाते हैं। तो अगर आपने हमारा लास्ट टाइम का दिवाली व्लॉग नहीं देखा है तो आप लास्ट टाइम का दिवाली व्लॉग जा करके देख सकते हैं, उसमें हमने गीली मूंग दाल का ये चक्की बनाया है। अब इसमें हम लोग बना रहे हैं सूखी मूंग दाल का हलवा या चक्की एनीथिंग। इसको हम लोग सेकेंगे जैसे बाकी सब हलवा के लिए जो हम लोग प्रोसीजर करते हैं कि इसको सेकते हैं थोड़ा क्या बोलते हैं उसको बादामी सुनहरा होने तक भूनते हैं, वैसे इसको भी हम लोग थोड़ा सा सुनहरा होने तक भूनेंगे। हालांकि अभी ही गोल्डन लग रहा है बट खैर हमें समझ में तो आ ही जाएगा, तो थोड़ा सा पक जाएगा तब तक हम लोग इसको भूनेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं आपको दिखाते जाऊँगी। सेक करके ऐसा ब्यूटीफुल सा कलर आ गया है। इसमें मम्मी ने इलायची पाउडर थोड़ा सा, सॉरी इलायची बोलती हूँ, मम्मी इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दे रहे हैं, काजू बादाम और पिस्ता। इलायची तो बाद में डालेगा। इसमें मम्मी थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर ऐड कर दे रहे हैं। इसमें मम्मी ने डाल दिया है दूध कि हम लोग बना रहे हैं हलवा। दूध अगर हम लोग हलवा नहीं बनाते तो हम लोग इसमें डालते खोआ, उसका दूसरा प्रोसेस है जो हमारे लास्ट टाइम के दिवाली ब्लॉग में है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। शुगर डाल दिया है, शुगर अब ये था लास्ट प्रोसेस, मतलब लास्ट स्टेप शुगर का, अब इसको अच्छा से इनकॉर्पोरेट कर देना है फिर हो जाएगा हलवा तैयार। हम लोग इसको थाली में सेट करते हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा इजी प्रोसेस है, जो गीली दाल का बनाते हैं ना वो तो बहुत टफ रहता है, उसको सेकने में बहुत ज़्यादा हिम्मत लगता है। पर तो नाउ टाइम फॉर इलायची, जो मैंने पहले बोल दिया था। थाली ग्रीस कर ले रहे हैं हम लोग घी से और इसमें हम लोग सेट कर देंगे, जमा देंगे हम लोग का हलवा, जो कि हो जाएगा जो कि बन जाएगा चक्की बर्फी। तो ये बन के रेडी हो गया हम लोगों का मूंग दाल का हलवा उर्फ चक्की, मूंग दाल का हलवा बोल लीजिए या चक्की बोल लीजिए, ये रेडी हो गया। इसके ऊपर हम थोड़ा सा काजू पिस्ता का कतरन हम लोग बुरका देंगे एंड इट इज़ रेडी। तो मैंने बना लिया राइस,
अब हम लोग खाएंगे। नेहा एकता अभी आई है तो हम लोग खाएंगे खाना और फिर मैं बनाऊंगी एंजल के लिए कुछ मिठाई। लास्ट टाइम तो मैं एंजल के लिए मंगाई थी, अब की बार मैंने सोचा मैं घर में बनाने की कोशिश करती हूँ। अभी हम लोग बना लेते हैं एंजल के लिए मिठाई, कलाकंद टाइप कुछ बनाते हैं हम लोग एंजल के लिए। तो मैंने इसमें डाल दिया है घी, अब मैं इसमें डाल दूँगी ग्रेटेड पनीर। मैं घी में टोस्ट कर मतलब घी में मैं इसको सेक लेती हूँ पनीर। तो मैंने ना पनीर को घी के साथ सेक लिया है, मतलब ये अच्छा हल्का हो गया, पहले मैं थोड़ा टाइट टाइट था, अभी हल्का हल्का सा हो गया। इसमें मैं डाल दूंगी डेसिकेटेड कोकोनट। ये अनस्वीटेंड वाला है डेसिकेटेड कोकोनट, मिक्स कर दो। गुड़ डाल दूंगी स्वीटनेस के लिए, थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इलायची पाउडर भी। हाँ, इलायची पाउडर भी हम लोग डॉग्स को दे सकते हैं। थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी बेरीज और बादाम के साथ। यस, बादाम भी दे सकते हैं हम लोग, बट अगेन ये बादाम वगैरह तो बहुत कम देना चाहिए। तो वैसे जैसे कि अभी दिवाली है तो हम लोग थोड़ा बहुत मीठा खाते हैं, वैसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। मिक्स कर देती हूँ। काली प्लेट में हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और मिक्स कर देती हूँ। तो दिस हैज टर्नड आउट टू बिकम लड्डूस, ये कलाकंद ही बनेगा। तो ये मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, ये है पनीर एंड कोकोनट लड्डू। एंड इसकी खुशबू किसको जगा ले आई है, इसे आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। मैंने इसको बताया भी नहीं है, नींद में से उठ करके आ गई है। बैठने का तरीका देखो एंजल, बोलो बाबू। द ब्यूटीफुल पनीर एंड कोकोनट लड्डू विद क्रैनबेरी स्टॉप्ड रेडी फॉर एंजल। एंजल ने वैसे टेस्ट भी कर लिया है। तो ये एंजल के लिए एक मिठाई रेडी है, अभी बन रहा है दूसरा मिठाई। एंड शी इज वेटिंग ईगरली, ऑलरेडी इसको 1.5 मिल चुका है। अभी ख़त्म करें तो कल क्या खाएगी एंजल। तो मैं बना रही हूँ सूजी का मिठाई। तो ये है महीन वाली सूजी और इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है। मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रेडी रखा है जो कि है थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा काजू एंड मेलन सीड्स। ये रोस्ट हो रहा है, इस बीच में मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हूँ ताकि ये भी रोस्ट हो जाएगा। ये हो गया है रोस्ट, अच्छा से इसको मैं निकाल लेती हूँ। एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और गुड़ को मेल्ट करके उसमें डाल दूँगी। गुड़ डाल दिया है, उसको मैं थाली में निकाल दूँगी। तो ये पूरा ऐसा बन गया है, इसका तो आई एम सो श्योर लड्डू का शेप अच्छा सा आ जाएगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसका लड्डू का शेप बना दूँगी। तो देखिए, हमारे लिए और एंजल के लिए दोनों के लिए मिठाई रेडी है। ये है मूंग दाल का बर्फी और ये है एंजल के लिए पनीर और कोकोनट लड्डू और ये है सूजी ड्राई फ्रूट लड्डू। इसमें है बादाम, काजू और मेलन सीड्स। मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ यहाँ पे। दरिजी परिवार की ओर से आप सबको को हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली। और हाँ, देखिए दिवाली है, सब लोग, दिवाली इज एक्चुअली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स नॉट नॉइस। तो हम लोगों का ये कोशिश रहना चाहिए कि हम लोग दिवाली बहुत अच्छे से मनाए, खुशी हो, मतलब सब जगह खुशियाँ बांटे, प्यार बांटे, मिठाइयाँ खाए, लेकिन किसी को भी परेशान नहीं करें, चाहे वो जानवर हो या अपने घर के कोई भी बच्चे हो, छोटे बच्चे हो। छोटे बच्चों को भी हम लोगों को सिखाना चाहिए कि वो कोई भी आस पड़ोस के बच्चों को भी परेशान नहीं करे, कोई भी जानवर को परेशान नहीं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा न्यूज़ आता है। दिवाली तो मना लेते हैं हम लोग अपना ऐसे मना लेते हैं, लोगों को जैसा फ़न करना है वैसे वो लोग फ़न करके मना लेते हैं, लेकिन इसमें पिसता कौन है, सिर्फ जानवर। सही, जानवर को
बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एटलीस्ट जब हम लोग पटाखा जलाएं तो वी शुड बी वेरी माइंडफुल अबाउट एनिमल्स। इट इज़ वेरी टेरिबल मोमेंट फॉर देम, जो कि ट्रॉमा हो जाता है उन लोग का। और सब लोग क्या बोलेंगे, हमारे जानवर है, जानवर को ट्रॉमा वगैरह नहीं होता, मगर जैसे इंसान को ट्रॉमा होता है वैसे जानवर को भी होता है। तो हम लोग दिवाली ऐसा मनाए ना कि जहाँ हम खुश हैं वहाँ पे सब खुश रहें, हमारे घर के बच्चे भी खुश रहें, हमारे घर के बच्चे सीखे भी कि हम लोग को दिवाली कैसे मनानी चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ पटाखा फोड़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट खैर हमारे ब्लॉग के जरिए हम आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि दिवाली अच्छे से मनानी चाहिए, सबकी दिवाली अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। क्योंकि घर में बहुत ऐसा नहीं है कि घर में सिर्फ छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। वो लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है बच्चों की खुशी में अपनी खुशी, लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में ना हम लोग को भी होता है, क्योंकि बहुत ज़ोर से कान में बजता है। इसलिए अच्छा अच्छा दिवाली मनाएं, सब लोग बहुत खुश रहे। आप सबको एक हैप्पी छोटी दिवाली, मिलते हैं कल के दिन यानी कि बड़ी दिवाली के दिन। डेकोरेशन वगैरह और होना बाकी है तो डेकोरेशन करेंगे हम लोग, और आप लोगों से कल मिलेंगे दिवाली के दिन। तो बने रहिए हमारे चैनल में। हमारे चैनल को क्या क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और खूब सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए खमागनी जय माता दी मती, जय माता दी मती। एंजल सो रही, हमारे पास ही सो रही है। मेरा बच्चा सो रहा है। हम लोग मेक श्योर करते हैं कि एंजल दूर दूर ही रहे, वैसे तो ये खुद भी दूर ही रहते हैं, बट फिर भी